क्या मस्त चीज है, मतलब मजा ही आ गया। मैं तो आप लोगों से बोलूंगा आप भी यहाँ पे आओ। ओए क्या बोल रहे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? क्या हुआ मैम? क्या हुआ, ऐसे लड़की छेड़ते हो शर्म नहीं आती? तुम्हें पता तुम जैसे लड़कों की वजह से ना हम लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल है। मैम आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहन क्या हुआ, और ये लड़का ना ऐसे खुलेआम मुझे छेड़ रहा था और पता नहीं क्या क्या कमेंट्स कर रहा था, मस्त चीज है। क्या बे ज्यादा गर्मी चढ़ी है, दूसरों की बहन को छेड़ता है, तेरी तो मैडम क्या हुआ? भैया ये आदमी मुझे छेड़ रहा था। अरे क्या कर रहे हो, जान से मारोगे क्या उसको? आप कौन है? सर ये मुझे छेड़ रहा था। सर मैं इनको नहीं छेड़ रहा था, सर मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा था, आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। So guys, आज मैंने इस कैफे में खाना खाया और क्या बताऊं यार, अब तो हो गया आप लोगों को भरोसा कि मैंने नहीं बनाई ऐसी कोई वीडियो जिसमें इनको गलत बोला हो मैंने। हो गया तमाशा खत्म, कर लिया हाथ साफ, चलो यहां से। और मैडम आपको क्या लगता है हर लड़का गलत होता है? बिना कुछ जाने समझे आपने तो बस चिल्ला दिया किसने छेड़खानी करी है, अब क्या बोलेंगी आप इस पर? करूं आपको पुलिस के हवाले? और ये आपका भाई, रक्षा करना अच्छी बात है लेकिन रावण मत बनो, बहन ने कहा और लड़ने चले गए। अरे पहले बात को समझो उसके बाद रिएक्ट करो, लेकर चलूं तुम्हें भी मारपीट के आरोप में पुलिस स्टेशन। I'm sorry sir, and I'm sorry मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको गलत जज कर लिया, please मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी मत मांगो लेकिन आगे से बिना सच जाने किसी को जज मत करना। सर थैंक यू सो मच मुझे इन लोगों से बचाने के लिए। जय हिंद। जय हिंद, ख्याल रखो अपना।